बीच में मतबूता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान के एडवेंचर का मिर्जा में फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी अकल साथिया ने की है। फिल्म में अदाकार फहद फासिल, अंजना अजय, प्रकाश धवानी, राजेश विजय, वेंकट से फुल, मोहन शर्मा के बहन सलेम, 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इस नागदिन और नागदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर जमल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले मतबूता वेलकम नए थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फहद फासिल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फहद फासिल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश विजय वेंकट के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियड सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ ऑफिस 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक किराए पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जिद्दी तादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जिद्दी कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पच्चू एक औरत सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। यह फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचता और इंकशाफ हुआ कि चू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का इरादा रखता है। तमाम वाकत के मिजाजी मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है, जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर मालीगोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके। जबकि पिच्चू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिच्चू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर जली गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है, लेकिन पिच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है, लेकिन पिच्चू एक बार शॉपर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और मसादवानी के घर जाती, जहां नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके पच्चू राजी हो जाते तो मसादवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और ख़ानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा मध्यप्रदेश ने पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसाने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपनी बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साफ तरवास में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसारानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचिड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैलते की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिच्चू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है,
इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिछू में सलाह होगी। पिछू नदी इससे लैला बर्म लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिछू हम सावधानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पात पासल बतौर प्रशांत पिछू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन पिछू के वारिस शांति कृष्ण बतौर नितिन राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लाला का बेटा अनुरान बतौर विंडन रावि अल्ताफ सलीम बतौर सजीत अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायरिक संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद भाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में प्रोडक्शन डियट जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाफीन चम्मच बजाय से मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3/5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज़ काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3/5 स्टार दी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा यह युकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2/5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें। फार फासल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिछव मतबोता वेलकम ऑन मोरम बाजाबशुदा फाद के पचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। मोरामा बाजाबशुदा 2023 पिछवा मतबोता वेलकम फिल्म फार फासल ने कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। मोरामा बाजियाबशुदा पाँचवा मतबोता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा फार फासल शाह पिछवा मतबोता वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाबशुदा पिछवा मतबोता वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू मतबोता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाफ्ता 2023 के पिछड़े मतबोता वेलकम फात फैसल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजाफ्ता मूवी का जायजा फात फैसल स्टार वेक एंड वाच लिस्ट में शामिल करने की काबिल इंडियन एक्सप्रेस तमाम 2 दिन पहले मित्र का मजामीन शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने किए सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत से आप है जब तक कि दूसरे में नोना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाँचवा मतबोता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिछवा मतबोता वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछवा मतबोता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान के एडवेंचर का मिर्जा में फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फात फासल अंजना जयप्रकाश द्वानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और नाक दिन के जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछवा मतबोता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर दायद का रखकर साथियान तहरीर फात फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हदायत का रखकर साथियान तहरीर फात फासल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश विजय वेंकट से विजय वेंकट के तौर पर शामिल किया गया।
रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी, शरण वेलोदन एडियड रिजिकल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावार कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4 लाख 71 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉफी से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एम्ब्रोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर लेज कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जदिदादों से मिस्त्री धोने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडम में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिस्त्री धोने की वजह से गैर शादीशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जदीद कैडम में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पच्चू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचा और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाक़ात के मिजाही मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला अर्फ माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्शुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिच्चू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्शुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिच्चू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर चली गई है जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है लेकिन पिच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई लेकिन पिच्चू एक बार स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती जहां नदी मुलाजम में मौजूदा वक़्त में लैला पिच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके पिच्चू राजी हो जाए तो साधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा बनाता है। पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रहने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तरवास में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ जिससे इनके तलकात में पिचिड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिच्चू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिच्चू में सलाह होगी। पिच्चू और नदी इससे लैला बर्म लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिच्चू हम सतवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पास बतौर प्रशांत पिच्चू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला अर्फ माची महकृष्ण बतौर राजन पिच्चू के वाले शांति कृष्णा बतौर नितिन राजू पिच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा इमरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायर
संजू रसोई राम बतौर विवेक, मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर, छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब, गोविंद पाई बतौर लोकी नसलेन के गफूर, रिशुन के बड़े भाई अरुण रूप में हाना, कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में, श्रीवती रामचरण एक कैमियो रूप में। प्रोडक्शन लिया 2 जनवरी 2021 को, फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाक 3 चम्मच बजाय से मिली। सैनमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3/5 स्टार दिए और कहा लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज कार्ड ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली, फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3/5 स्टार दिए। अनुरमा के ना के डागेश ने कहा, यह अयुकत मैंने एक प्यार और मुसहका के लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पेचुअम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2/5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें। फारफाजी साथियान फिल्म का अनुमान पिचुअम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजाशुदा फाद के पचुअम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अनमोरामा बाजाशुदा 2023 पिचुअम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। अनमोरामा बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास। सनमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा फार फासल शाह पिचुअम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाफ्ता 2023 के पिक्चर मथुबोथा वेलकम फात फैसल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजाफ्ता मूवी का जायजा फात फैसल स्टार वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबुल। इंडियन एक्सप्रेस तुम्हें 2 दिन पहले मुतलका मजामी शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियाक अनकार ने किए। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत से आप है जब तक कि सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाचम बतौबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिचुअम मथुबोथा वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फात फासल अंजना अजय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और नागदिन के जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिचुअम मथुबोथा वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फात फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फात फासल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश विजय वेंकट के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियड जिसकल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉपिस 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जदीदादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा है। इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की केरला में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद
राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पृथ्वी को और सूर्याचू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कि अच्छू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का इरादा रखता है। तमाम वाकयात के मिजाही मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुंच जाता है, जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिच्चू का लैला से सामना होता है और तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिच्चू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर चली गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजयाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है, लेकिन पिच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है। लेकिन पिच्चू एक बार स्टॉप पर पता है, एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती, जहां नदी मुलाजम में मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, पच्चू राजी हो जाते तो साधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और ख़ानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतज़ार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा नरेश ने पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसाने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजयाफ्त किया। हमसारानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिच्चू नदी को बाजयाफ्त करने के लिए कोशिश करता है, इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिच्चू में सलाह होगी, पिच्चू और नदी इससे लैला बरम लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिच्चू हम सतवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत पिच्चू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकश बतौर राजन पिच्चू के वाले शांति कृष्ण बतौर नितिन राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के दोस्त वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा इमरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीत अभिराम राधा कृष्ण बतौर बेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जैन के पार बतौर सब इंस्पेक्टर लोकेश नायक संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलेन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छू प्रदीप के किरदारों में शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डेब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाफीन से मुस्ब जायजे मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा, लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं
ऐसे तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज निकाज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में 3/5 तार दी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा यह अयुकत मैंने एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में 2/5 तार दिया वाला जात में तरमीम करें फार फाजल साथियान फिल्म का अनवान पिचवम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजाबशुदा फाद के पचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है अनमोरमा बाजाबशुदा 2023 पिचवम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया अनमोरमा बाजाबशुदा पचवम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा फार फासल शाह पिचवम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरमा बाजाबशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाबशुदा पचवम मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ आरामदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा 2023 के पिचवम मथुबोथा वेलकम फार फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया और मोरमा बाजाबशुदा मूवी का जायजा फार फासल स्टार वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल इंडियन एक्सप्रेस ब्यूरो के तमाम 2 दिन पहले मुतलका मजामी शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने किए सुनील के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत से अब है जब तक कि दूसरी में नोट ना किया जाए राजधानी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाजाम बतौबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन साथ पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिचवम मथुबोथा वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फार फासल जिना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इसे नाकदिन के जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबत जमल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिचवम मथुबोथा वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फार फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फार फासल जाना जयप्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राइट 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉफी से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर लेज कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जिद्दी तादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जिद्दी कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पिचू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। यह फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पिचू के इतिहाद की मिश्रित करने का इरादा रखता है। तमाम वाकत के मजाही मोड़ पर पिचू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाते हैं। पिचू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिचू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X
बच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामने एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से करमाली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। बच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता है। अर्जुन के साथ ट्रेन में उसका पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके। जबकि बच्चू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। बच्चू को पता चला कि लैला हमसादवाने के घर जारी गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजयाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है। लेकिन बच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है। लेकिन बच्चू एक बस स्टॉप पर पता है, एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी शेयर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती, जहाँ नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला बच्चू को अपने हवारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, बच्चू राजी हो जाता तो रमसाधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर बच्चू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा नरेश ने बच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसाधवानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साख तलवास में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजयाफ्त किया। हमसाधवानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पेचीदगियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। बच्चू नदी को बाजयाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हमसाधवानी बच्चू में सलाह होगी। बच्चू और नदी इससे लैला बरम लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान बच्चू हमसाधवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत बिच्चू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हमसाधवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजी वेंकट बतौर लैला और फमाची महकश बतौर राजन बच्चू के वाले शांति कृष्णा बतौर नितिन राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त बस्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा अनुरान बतौर विंडन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायक संजू रसराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में शुरुआती रामचरण ने का कैमियो रूप में प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकिन चम्मच बजाय से मिली। सैनमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज कार्ड्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3.5 स्टार दी और अनुरमा के ना के रागेश ने कहा यह युकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2.5 स्टार दी हवाला जात में तरमीम करें पार फसल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिछवा मतबोता वैकम अनमोरम बाजाबशुदा
फाद के पांचवा मलबूदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। मोरामा बाजिया शुदा 2023 पांचवा तुबता वेलकम फिल्म फार फासल नेकल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया। मोरामा बाजियाब शुदा पांचवा मतुबता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाब शुदा फार फासल शाह पिचवा मतुबता वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाब शुदा पिचवा मतुबता वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजियाफ्ता पाचू मतुबता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी इंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजियाफ्ता 2023 के पिछड़े मतुबता वेलकम फात फैसल ने अक्कल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजियाफ्ता मूवी का जायजा फात फैसल स्टार वेकेंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन पहले मुतलका मजामीन शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत क्रिस्टियन कार्ड ने की है। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत से अब है जब तक सूरत में नोट ना किया जाए राजधानी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाँचवा मतुबता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिछवा मतुबता वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछवा मतुबता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल सात्यान ने की है। फिल्म में अदाकार फात फासल जिना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैनडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और नाक दिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले मतुबता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर दायत का रखकर सात्यान तहरीर फात फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हदायत का रकल सात्यान तहरीर फात फासल जाना जयप्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियर डिजिकल सात्यान म्यूजिक जस्टि प्रभाकरण पैदावार कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ ऑफिस 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एम्ब्रोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जदिदादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की तजदीद कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पिचू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पिचू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मिजाही मोड़ पर पिचू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाते हैं। पिचू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और फरमाची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XS का वादा करता है। जब पिचू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और फरमाची साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone XS पिचू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से करमाली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिचू को एहसास हुआ कि लैला लापता है। अर्शुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिचू का लैला से सामना होता है और तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्शुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिचू को पता चला कि लैला हमसादवानी के घर जली गई है। इसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम सादवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है। लेकिन पिचू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है। लेकिन पिचू एक बस स्टॉप पर
पता है एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती और उमसा अडवाणी के घर जाती, जहां नदी मुलाजम में मौजूदा वक़्त में लैला पचू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती। अगर वो नदी को वापस ला सके पचू राजी हो जाए तो उमसा अडवाणी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। ठीक है, मुकाम पर पता लगाने पर पिचू को अपने भाइयों और ख़ानदान की तरफ से मारपीट और लूटमार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजेयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतज़ार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा बनाता है। पिचू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रहने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तलवास में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। सारानी के बच्चों को बरमदई शाम के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचिटियाँ पैदा हुई। रियाज कम्बली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। बिच्चू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिचू में सलाह होगी। पिचू और नदी इससे लैला बर्फ मिलाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिचू हम सतवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत पिचू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन पिचू के बारे शांति कृष्ण बतौर नितिन राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा इमरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सब इंस्पेक्टर लोकेश नायर संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाफीन चम्मच बजाय से मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3/5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा सही शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3/5 स्टार दी और नोरमा के ना के रागेश ने कहा यह युकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2/5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें फार फासल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचवम मथुबोथा वेलकम अन मोरम बाजाशुदा फाद के पचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अन मोरामा बाजाशुदा 2023 पिचवम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। उन मोरामा बाजियाबशुदा पचवम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा फार फासल शाह पिचवम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। अनजानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाबशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू
मैं तो बता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ आरामदा तफरी सन में एक्सपायर बाजी आप शुदा 2023 के पिक्चर में जो बता वेलकम फात फैसल ने अक्कल साथ की पहली फिल्म में मुतासर किया और मोरामा बाजियाब शुदा मूवी का जायजा फात फैसल स्टार अप वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबुल इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन पहले मुतलका मजामी शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियाक अनकार ने किए सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत दस्तियाब है जब तक कि दूसरी में नोना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाँचवा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन साथ बता वेलकम अनीत ने 10 साल फाल फाजिल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछवी मतबोता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथिया ने की है। फिल्म में अदाकार फात फासन जिना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट सैफुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इस नाकदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबत जमर मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले मतबूता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथिया तहरीर फात फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथिया तहरीर फात फासल जाना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉपिस 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जदीदादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जदीद कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पच्चू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। यह फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कि चू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकयात के मिजाजी मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची को साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिच्चू का लैला से सामना होता है और वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिच्चू को पता चला कि लैला हम साथ आने के घर जारी गई है। जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है लेकिन पिच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है लेकिन पिच्चू एक बस स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं जहाँ वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती जहाँ नदी मुलाजम मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके पच्चू राजी हो जाए तो रमसाधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और ख़ानदान की तरफ से मारपीट और
लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजेयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा। नरेश ने पिचू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचिड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लाला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिचू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिचू में सलाह होगी। पिचू और नदी इससे लैला बर्म लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिचू सावधानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत पिचू राजन अंजा जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकश बतौर राजन बच्चों के वाले शांति कृष्णा बतौर नितिन राजू बच्चों की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा इमरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद अभिराम राधा कृष्ण बतौर बेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायक संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छू प्रदीप के किरदारों में शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में प्रोडक्शन डियट जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इसके बारे में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकिन से मस्त जायजे मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3.5 स्टार दी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा यह युकत मैंने एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2.5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें। फार फासल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचवम मथुबोथा वेलकम ऑन मोरम बाजियाफ्तशुदा फाद के पिचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। ऑन मोरमा बाजियाफ्तशुदा 2023 पिचवम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। उन मोरमा बाजियाफ्तशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सिनेमा एक्सप्रेस बाजियाफ्तशुदा फार फासल शाह पिचवम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरमा बाजियाफ्तशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजियाफ्तशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सिनेमा एक्सप्रेस बाजियाफ्तशुदा 2023 के पिचवम मथुबोथा वेलकम फार फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरमा बाजियाफ्तशुदा मूवी का जायजा फार फासल स्टार वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल इंडियन एक्सप्रेस ब्यूरो की तमाम 2 दिन पहले मिथिल का मजामीन शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने की है। सुनील के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत से अब है जब तक कि दूसरे में नोना किया जाए राजधानी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाचम बतौबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन सास पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की।
पिचम मतबोता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान के एडवेंचर का मिर्जा में फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी अकल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फहद फासिल, अंजना, अजय प्रकाश, धवानी, राजेश, विजी वेंकट से फुल मून शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैनेडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इस नागदिन और नागदिन के जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर जमर मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले मतबोता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर रायत का रकल साथियान तहरीर फहद फासिल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायत का रकल साथियान तहरीर फहद फासिल, जाना, जयप्रकाश, धवानी, राजेश, विजय वेंकट के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियड रिजकल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉपी से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक किराए पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जिद्दी तादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जिद्दी कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालिद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पृथ्वी को और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। यह फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मिजाइया मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुंच जाता है, जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और फरमाची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब चुराजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X बच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। बच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता है, अर्शुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके। जबकि बच्चू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्शुन पर काली मिर्च छिड़कती है। बच्चू को पता चला कि लैला हम साधवाने के घर जारी गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजयाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है, लेकिन बच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है, लेकिन बच्चू एक बार स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और मसादवानी के घर जाती, जहाँ नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, पच्चू राजी हो जाए तो रमसाधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा मध्यप्रदेश ने पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसाने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साख तरवास में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजयाफ्त किया। हमसारानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के पैदा की मुखालफत करता है।
अपनी को वापस लाने की हिमायत करता है। बिच्छू नदी को बाजाब्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी बिच्छू में सलाह होगी। बिच्छू और नदी इससे लैला बरम लाने के लिए केरला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान बिच्छू साहेबानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पात पास बतौर प्रशांत बिच्छू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर रमसावानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन बच्चों के वाले शांति कृष्ण बतौर नितिन राजू बच्चों की माँ राजन के दोस्त बस्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा अनुरान बतौर विंडन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीत अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रेमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायरिक संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में शुरुवती रामचरण ने का कैमियो रूप में प्रोडक्शन डियट जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकिन चम्मच बजाय से मिली। सैनमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3/5 स्टार दी और कहा लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3/5 स्टार दी और नुरमा के ना के रागेश ने कहा यह युकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2/5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें। फार फाजल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचवम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजाबशुदा फाद के पचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अनमोरामा बाजाबशुदा 2023 पिचवम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल ने कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। अनमोरामा बाजाबशुदा पचवम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा फार फासल शाह पिचवम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजाबशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फाद फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाबशुदा पाचवम मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ आरामदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा 2023 के पिचवम मथुबोथा वेलकम फाद फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजाबशुदा मूवी का जायजा फार फासल स्टार अप वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल इंडियन एक्सप्रेस तमाम 2 दिन पहले मुतलका मजामीन शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत क्रिस्टियन कार्ड ने की है। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसिसी वायस के तहत से अब है जब तक कि सूरत में नोना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाचम बतौबाता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिचवम मथुबोथा वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फाद फासल जिना जय प्रकाश द्वानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैनेडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इसे नाकदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिचवम मथुबोथा वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हदायत का रखकर साथियान तहरीर फाद फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हदायत का रखकर साथियान तहरीर फाद फासल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश
विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी, शरण वेलोदन एडियर डिजिटल, सात्यान म्यूजिक, जस्ट प्रभाकरण पैदावार कंपनी, फुल मून सिनेमा, तारीख राइट 28 अप्रैल 2023, वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम, बजट 10 करोड़, ऑफिस 17 करोड़, ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एम्ब्रोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी दादों से मिस्त्री धोने की वजह से गैर शादीशुदा है। इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडम में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिस्त्री धोने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की तजदीद केरला में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पच्चू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मिजाही मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के सर ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XS का वादा करता है। जब पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला व माचो सर ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता है। अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिच्चू का लैला से सामना होता है और तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिच्चू को पता चला कि लैला हमसादवानी के घर चली गई है। इसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हमसादवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है। लेकिन पिच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है। लेकिन पिच्चू एक बार स्टॉप पर पता है, एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती और हमसादवानी के घर जाती जहां नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला पिच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके पिच्चू राजी हो जाए तो हमसादवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और ख़ानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतज़ार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा बनाता है। पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसादवानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तरवास में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसादवानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ जिससे इनके तलकात में पिचिड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है। अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिच्चू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हमसादवानी पिच्चू में सलाह होगी। पिच्चू और नदी इससे लैला बर्फ लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिच्चू हमसादवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत पिच्चू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हमसादवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन बच्चों के बारे शांति कृष्णा बतौर नितिन राजू बच्चों की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा अनुरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद अभिराम राधा कृष्ण बतौर बेटर रियाज डराइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर
मदर जीन के पार बतौर सब इंस्पेक्टर, लोकेश नायर, संजू रसोई राम बतौर विवेक, मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर, छाया कदम, पेवेश कुमार बतौर साहिब, गोविंद पाई बतौर लोकी, नसलीन के कपूर रिशुन के बड़े भाई अरुण रूप में, हाना कृष्णा सूर्या अच्छू प्रदीप के किरदार में, श्रीवती रामचरण एक कैमियो रूप में। प्रोडक्शन डिया 10 जनवरी 2021 को, फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर 3 चम्मच बजाय जो मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3 5 साल दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा सही शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3 5 स्टार दी और नुरमा के ना के रागेश ने कहा यह अयुकत मैंने एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पेचुअम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2 5 स्टार दी हवाला जात में तरमीम करें। फारखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिछुम मतुबोता वैराकम अन मोरम बाजाशुदा फाद के पचुम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अन मोरामा बाजाशुदा 2023 पिछुम मतुबोता वेलकम फिल्म फार फासल नेकल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया। उन मोरामा बाजियाब शुदा पाचवा मतुबोता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन निसार सनमा एक्सप्रेस बाजियाब शुदा फाज बासर शाह पिचवा मतुबोता वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाब शुदा पिचवा मतुबोता वेलकम वनीत ने 10 साल फाज फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू मतुबोता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाफ्ता 2023 के पिछड़े मतुबोता वेलकम फात फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजाफ्ता मूवी का जायजा फात फासल स्टार वेकन वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस तुम्हें 2 दिन पहले मुतलका मजामीन शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने किए। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसिसी वायसे के तहत दस्याब है जब तक कि सूरत में नोना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाजम बतुबता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन साथ पिछम मतुबोता वेलकम वनीत ने 10 साल फाज फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछम मतुबोता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फाद फासल अंजना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इस नाकदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले मतुबोता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फाद फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फाद फासल जाना जयप्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉपिस 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एब्रोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जदीदादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर
हैशुदा अपने स्टोर लाइसेंस के जरिए केरला में अपने भाई शहर वापस जाना होगा। अपने भाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पृथ्वी को सूर्या चुप प्रदेव से मुतासर हो जाता है। यह फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कि अच्छू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मसरत करने का इरादा रखता है। तमाम वाक़ात के मिजाइया मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुंच जाता है, जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाते हैं। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके। जबकि पच्चू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पच्चू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर जारी गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है, लेकिन पच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है, लेकिन पच्चू एक बार स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती, जहां नदी मुलाजम में मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, पच्चू राजी हो जाता तो रमसाधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्छू को अपने भाइयों और ख़ानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा नरेश ने पिच्छू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसाने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसाधवानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिचू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है, इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम साधवानी पिचू में सलाह होगी, पिचू और नदी इससे लैला बर्म लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिचू हम साधवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत पिचू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम साधवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजी वेंकट बतौर लैला और फमाची महकश बतौर राजन पिचू के वाले शांति कृष्ण बतौर नितिन राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत बतौर रियाज लाला का बेटा अनुरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीत अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जैन के पार बतौर सब इंस्पेक्टर लोकेश नायरी संजू रसूराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छू प्रदीप के किरदारों में शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डेब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकिन से मस्त जायजे मिली। सैनमा एक्सप्रेस के
साजन शरीयत ने 5 में से 3 शरीय 5 शादी और काक, लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं। ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार, मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज निकाज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली, फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में 3 शरी 5 शादी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा, यह अयुकत मैनन एक प्यार और मुसहका के लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में 2 शरी 5 शादी वाला जात में तरमीम करें। फार फाजल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिछुआ मतबोता वैराकम अन मोरम बाजाशुदा फाद के पचवा मलबूदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अन मोरामा बाजाशुदा 2023 पिछुआ मतबोता वेलकम फिल्म फार फासल नेकल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया। उन मोरामा बाजियाब शुदा पाचवा मतबोता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास। सनमा एक्सप्रेस बाजियाब शुदा फाज फासल शाह पिचवा मतबोता वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाब शुदा पिचवा मतबोता वेलकम वनीत ने 10 साल फाज फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू मतबोता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी इंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाफ्ता 2023 के पिछड़े मतबोता वेलकम फात फैसल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजाफ्ता मूवी का जायजा फात फैसल स्टार वेकेंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस तमाम 2 दिन पहले मुतलका मजामीन शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने की है। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत दस्याब है जब तक कि दूसरी में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाजाम बतौबता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिछुआ मतबोता वेलकम वनीत ने 10 साल फाज फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछुआ मतबोता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फाज फासल जिना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैनडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इस नागदिन और नागदिन के जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर जमर मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछड़ा मतबोता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर दायद का रखकर साथियान तहरीर फात फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हदायत का रखकर साथियान तहरीर फात फासल जाना जयप्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से विजय वेंकट के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियर डिजिकल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राइट 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉफी से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक किराए पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जदीदादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है। और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जदीद कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पिचू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। यह फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पिचू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मजाही मोड़ पर पिचू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिचू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और फरमाची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिचू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम
और अपनी बूढ़ी माँ लैला मात्रो सार ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक आईफोन एक्स बच्चू राजी हो जाता है। वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। बच्चों को एहसास हुआ कि लैला लापता है। अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके। जबकि बच्चों का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। बच्चों को पता चला कि लैला हम साधवाने के घर जारी गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजयाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है। लेकिन बच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है। लेकिन बच्चू एक बस स्टॉप पर पता है, एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती, जहां नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला बच्चू को अपने हवारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, बच्चू राजी हो जाए तो साधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिचू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा बनाता है। इसने पिचू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसाने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजयाफ्त किया। हम सारानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। बच्चों नदी को बाजयाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिचू में सलाह होगी। पिचू और नदी इससे लैला दोबारा मिलाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिचू हम सावधानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत, पिचू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सावधानी द्वानी, राजेश बतौर नदी, गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन, पिचू के वाले शांति कृष्णा बतौर नितिन, राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज, लैला का बेटा अनुरान बतौर विंडन, रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद, अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज, ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप, युकत मैनन बतौर शून रहमा, सुरेश बतौर सलोचना, रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायक, संजू रसोराम बतौर विवेक, मोहन अगाशे बतौर नाना, नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम, पेवेश कुमार बतौर साहिब, गोविंद पाई बतौर लोकी, नसलेन के गफूर, रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना, कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में, शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में। प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकदीन से मुस्बत जायजे मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा सही शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज कार्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3.5 स्टार दी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा यह युकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2.5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें। फार फासल अखीर साथियान
फिल्म का अनुमान पिछवे मतबोता वैराकम अनमोरम बाजाशुदा फाद के पचवम अलबुदा वैराकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है अनमोरमा बाजाशुदा 2023 पिछवे मतबोता वैराकम फिल्म फार फासल नेकल सात्यान की पहली फिल्म मुतासर किया अनमोरमा बाजियाबशुदा पाँचवा मतुबता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा फार फासल शाह पिछवा मतुबता वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया मोरमा बाजियाबशुदा पिछवा मतुबता वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजियाबशुदा पाँचवा मतुबता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा 2023 के पिछड़ा मतुबता वेलकम फात फैसल ने अक्कल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया और मोरमा बाजियाबशुदा मूवी का जायजा फात फैसल स्टार वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबुल इंडियन एक्सप्रेस तुम्हें 2 दिन पहले मुतलका मजामीन शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत क्रिस्टियन कार्निकी है सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत दस्याब है जब तक कि सूरत में नोना किया जा रहा है तारीखी पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है पाँच बता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिछवा मतुबता वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की पिछवा मतुबता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल सात्यान ने की है। फिल्म में अदाकार फाद फासल अंजना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और नागदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर जमल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछवा मतुबता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायत का रखकर सात्यान तहरीर फात फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायत का रखकर सात्यान तहरीर फात फासल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ ऑफिस 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी दादों से मिस्त्री धोने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतहादों में मिस्त्री धोने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की तजदीद कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पिछू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पिछू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मिजाही मोड़ पर पिछू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिछू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और फरमाची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिछू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला फरमाची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिछू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से करमाली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिछू को एहसास हुआ कि लैला लापता है। अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिछू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिछू को पता चला कि लैला हमसादवानी के घर जारी गई है जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है लेकिन पिछू इसके बस स्टॉप पर जाता है।
और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई, लेकिन फिर जो एक बार स्टॉप पर पता है, एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पे बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और उमसा अडवाणी के घर जाती, जहाँ नदी मुलाजम में मौजूदा वक़्त में लैला पचू को अपने हवारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, पचू राजी हो जाए, तो रमसा अडवाणी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिचू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजेयाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा नरेश ने पिचू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त जाते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिचू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है, इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हमसा अडवाणी पिचू में सलाह होगी, पिचू और नदी इससे लैला दोबारा मिलाने के लिए केरला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिचू हमसा अडवाणी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत, पिचू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हमसा अडवाणी, द्वानी राजेश बतौर नदी, गीता की बेटी विजी वेंकट बतौर लैला और फमाची, महकश बतौर राजन, बच्चों के बारे शांति कृष्णा बतौर नितिन, राजू बच्चों की माँ, राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के दोस्त वनीत सरे वनीत बतौर रियाज, लैला का बेटा इमरान बतौर रविंदन, रावी अल्ताफ, सलीम बतौर सजीद, अभिराम, राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज, डराइव नंदू बतौर प्रदीप, युकत मैनन बतौर शून रहमा, सुरेश बतौर सलोचना, रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायरिक, संजू रसोई राम बतौर विवेक, मोहन अगाशे बतौर नाना, नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम, पेवेश कुमार बतौर साहिब, गोविंद पाई बतौर लोकी, नसलीन के कपूर, रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना, कृष्णा सूर्या अच्छू प्रदीप के किरदार में, शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में। प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकिन से मस्त जायजे मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 साल दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3.5 स्टार दी और नोरमा के ना के डागेश ने कहा ये अयुकत मैंने एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता। इस हफ्ते के आखिर में पिचुअम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2.5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें। फार फासल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचुअम मथुबोथा वेलकम अन मोरम बाजाशुदा फाद के पिचुअम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अन मोरामा बाजाशुदा 2023 पिचुअम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल निकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। उन मोरामा बाजियाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा फार फासल शाह पिचुअम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया
जायजा काफी इंसमास के साथ और आरामदा तफरी। डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू मैं तो बता वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ आरामदा तफरी सनमा एक्सपर बाजाब शुदा 2023 के पिक्चर में जो बता वेलकम फातवासन ने अक्कल साथ की पहली फिल्म में मुतासर किया और मोरामा बाजाब शुदा मूवी का जायजा फाइव फाइव स्टार अप वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस तुम्हें दो दिन पहले मुतलका मजामी शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने किए। सुनील के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत दस्याब है जब तक कि दूसरी में नोना किया जाए राजधानी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाजाम बता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन साथ पिछड़ों में तो बात वेलकम अनीत ने 10 साल फारफाज से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछवें मतबूता वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथिया ने की है। फिल्म में अदाकार फहद फासिल जिना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इस नागदिन और नागदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबूत जमल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले में तो बोता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फहद फासिल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फहद फासिल जाना जयप्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉफी से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एब्रोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जिद्दी तादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जिद्दी कैडा में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पिछू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पिछू के इतिहाद की मिश्रित करने का इरादा रखता है। तमाम वाकत के मिजाइया मोड़ पर पिछू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिछू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब पिचू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिचू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिचू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके। जबकि पिचू का लैला से सामना होता है और तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिचू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर चली गई है जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है लेकिन पिचू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई लेकिन पिचू एक बार स्टॉपर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती जहां नदी मुलाजम में मौजूदा वक़्त में लैला पिचू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके पिचू राजी हो जाता है और साधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है।
लेकिन काम पर पता लगाने पर पिचू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूटमार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजेयाप्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मंसूबा। नरेश ने पिचू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलुकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपनी बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लाला के फैसले की मुखालफत करता है। अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिचू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है। इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिचू में सलाह होगी। पिचू और नदी इससे लैला बर्म लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिचू हम सावधानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पात पासल बतौर प्रशांत, पिचू राजन अंजा जयप्रकाश बतौर हम सावधानी द्वानी, राजेश बतौर नदी गीता की बेटी, विजी वेंकट बतौर लैला और फमाची महकश बतौर राजन, बच्चों के बारे शांति कृष्ण बतौर नितिन, राजू बच्चों की माँ, राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज, लैला का बेटा अनुरान बतौर रविंदन, रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीत, अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज, ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप, युकत मैनन बतौर शून रहमा, सुरेश बतौर सलोचना, रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायक, संजू रसोराम बतौर विवेक, मोहन अगाशे बतौर नाना, नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम, पेवेश कुमार बतौर साहिब, गोविंद पाई बतौर लोकी, नसलीन के गफूर, रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना, कृष्णा सूर्या अच्छू, प्रदीप के किरदार में शुरुआती रामचरण एक कैमियो रूप में। प्रोडक्शन डेट जनवरी 2021 को, फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाफीन चम्मच बजाय जमली सैनमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3.5 स्टार दी और अनुरमा के ना के डागेश ने कहा यह युकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2.5 स्टार दी हवाला जात में तरमीम करें। फार फासल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचवम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजियाबशुदा फाद के पचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अनमोरामा बाजियाबशुदा 2023 पिचवम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। अनमोरामा बाजियाबशुदा पचवम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा फार फासल शाह पिचवम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरामा बाजियाबशुदा पिचवम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसरमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजियाबशुदा पाचू मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ आरामदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा 2023 के पिछड़ों में जो बोथा वेलकम फात फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजियाबशुदा मूवी का जायजा फात फासल स्टार वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस ब्यूरोता की तमाम 2 दिन पहले मिटल का मजामीन शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कारने की है। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत से अब है जब तक कि दूसरी में नोना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाँच बता वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन सास
वेलकम नीत ने 10 साल फल फसल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिछवी मतबूता वेलकम एक इसकी हिंदुस्तानी मलयालम जबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अकल साथिया ने की है। फिल्म में अदाकार फहद फासिल, अंजना, अजय प्रकाश, ध्वनि, राजेश, विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और नाक दिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर जमर मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिछले मतबूता वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फहद फासिल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फहद फासिल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियर डिजिकल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राइट 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ टॉफी से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी रिद्धितादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडम में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की केरला में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पिछू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पिछू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मिजाही मोड़ पर पिछू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिछू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और फरमाची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब चुराजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X बच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। बच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता है। अर्शुन के साथ ट्रेन में इसका पीछा करता है जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुँच चुके हैं। जबकि बच्चू का लैला से सामना होता है तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्शुन पर काली मिर्च छिड़कती है। बच्चू को पता चला कि लैला हम साधवाने के घर जारी गई है जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं लैला को पता चला कि वह पहले ही चली गई है लेकिन बच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है लेकिन बच्चू एक बस स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं जहाँ वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती जहाँ नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके पच्चू राजी हो जाए तो रमसा धवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा बनाता है। पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साख तरमात में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ जिससे इनके तलकात में पिचिड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिचू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है।
इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिछु में सलाह होगी। पिछु नदी इससे लैला बार मिलाने के लिए केरला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिछु सावधानी से रहने के लिए करमाली में जरा पार पासल बतौर प्रशांत पिछु राजन अंजन जयप्रकाश बतौर सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजय वेंकट बतौर लैला अर्फ माची महकृष बतौर राजन बच्चों के वाले शांति कृष्णा बतौर नितिन राजू बच्चों की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा इमरान बतौर विंडन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीद अभिराम राधा कृष्ण बतौर पेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रेमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायरिक संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद पाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदार में शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डिब्यू किया गया। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाकिन चम्मच बजाय से मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3.5 स्टार दी और नुरमा के ना के रागेश ने कहा यह अयुकत मैनन एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता है। इस हफ्ते के आखिर में पिचुअम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2.5 स्टार दिया वाला जात में तरमीम करें पार फासल अखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचुअम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजाबशुदा फाद के पिचुअम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अनमोरामा बाजाबशुदा 2023 पिचुअम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। अनमोरामा बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सिनेमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा फार फासल शाह पिचुअम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। अनमोरामा बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फाद फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसमास के साथ और आमदा तफरी डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सिनेमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा 2023 के पिचुअम मथुबोथा वेलकम फाद फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरामा बाजियाबशुदा मूवी का जायजा फार फासल स्टार अप वेक एंड वाट लिस्ट में शामिल करने की काबुल इंडियन एक्सप्रेस तमाम 2 दिन पहले मुतलका मजामीन शुरुआती रामचंद बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर की है। सलीम के गफूर भारतीय अदाकार मुआसिसी वायसे के दस्तयाब है। जब तक कि सूरत में नोना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाजाम बतौबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिचुअम मथुबोथा वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फाद फासल जिना जयप्रकाश ध्वानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैंडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इसे नाकदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबर मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिचुअम मथुबोथा वेलकम थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फाद फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फाद फासल जाना जयप्रकाश दवानी राजेश विजय वेंकट से विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया।
रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी, शरण वेलोदन एडिट, जिसकल सात्यान म्यूजिक, जस्ट प्रभाकरण पैदावार कंपनी, फुल मून सिनेमा, तारीख राय 28 अप्रैल 2023, वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम, बजट 10 करोड़, ऑफिस 17 करोड़, ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराया पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी दादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा है। इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतिहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जदीद केरला में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पच्चू एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुँचता और इंकशाफ हुआ कैचू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मिश्रित करने का राजा रखता है। तमाम वाकत के मिजाही मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुँच जाता है, जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XS का वादा करता है। जब पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माचो साथ ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X पिच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर माली गोवा में ट्रेन से उतर जाती है। पिच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि पिच्चू का लैला से सामना होता है और तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। पिच्चू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर जारी गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है, लेकिन पिच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है, लेकिन पिच्चू एक बार स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहां वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती और साधवानी के घर जाती, जहां नदी मुलाजमा मौजूदा वक़्त में लैला पिच्चू को अपने हमारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, पिच्चू राजी हो जाता है। साधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है, लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्चू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा बनाता है। पिच्चू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रहने के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साख तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिच्चू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है, इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिच्चू में सलाह होगी। पिच्चू और नदी इससे लैला दोबार मिलाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिच्चू सतवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पार पार्सल बतौर प्रशांत पिच्चू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विधि वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन बच्चू के बारे शांति कृष्णा बतौर नितिन राजू बच्चू की माँ राजन के दोस्त स्वामन वास्तु के दोस्त वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा इमरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीत अभिराम राधा कृष्ण बतौर बेटर रियाज डराइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायर
संजू रसोई राम बतौर विवेक, मोहन अगाशे बतौर नाना, नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम, पेवेश कुमार बतौर साहिब, गोविंद पाई बतौर लोकी, नसलीन के कपूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में, हाना कृष्णा सूर्या अच्छू प्रदीप के किरदार में, शुरुवती रामचरण एक कैमियो रूप में। प्रोडक्शन रिया जनवरी 2021 को, फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डेब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाफीन चम्मच बजाय से मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3/5 स्टार दी और कहा कि लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं, ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले यार मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज काज ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3/5 स्टार दी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा यह अयुकत मैंने एक प्यार और मुसहका खेज लड़के के तौर पर समरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बारिश बनता। इस हफ्ते के आखिर में पिचुअम मथुबोथा वेलकम ममकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2/5 स्टार दी हवाला जात में तरमीम करें। फारखीर साथियान फिल्म का अनुमान पिचुअम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजाबशुदा फाद के पिचुअम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अनमोरमा बाजाबशुदा 2023 पिचुअम मथुबोथा वेलकम फिल्म फार फासल नेकल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। अनमोरमा बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास। सिनेमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा फार फासल शाह पिचुअम मथुबोथा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। अनजानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मोरमा बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसमास के साथ और आरामदा तफरी। डी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाबशुदा पिचुअम मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ आरामदा तफरी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजाबशुदा 2023 के पिचुअम मथुबोथा वेलकम फार फासल ने अक्कल साथियान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरमा बाजाबशुदा मूवी का जायजा फार फासल स्टार अप वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस तुम्हें 2 दिन पहले मुतलका मजामी शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत कर इश्तियान कार ने किए। सलीन के गफूर भारतीय अदाकार मुआसी सिवाय ऐसे के तहत दस्याब है जब तक कि दूसरी में नोना किया जाए राजधानी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाजाम बतौबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन साथ पिचुअम मथुबोथा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की। पिचुअम मथुबोथा वेलकम एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान के एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अक्कल साथियान ने की है। फिल्म में अदाकार फाद फासल जिना जय प्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट से फुल मोहन शर्मा के बहन सलेम 28 सेटो मनार कैनेडा ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म को रिलीज हुई थी और इसे नागदिन और नागदिन की जब से 2023 में अप्रैल सामिन की जैम से मसबल मिला और यह तजाती तौर पर कामयाब रही। पिचुअम मथुबोथा वेलकम ने थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फार फासल के तौर पर शामिल की गई है। थिएटर रिलीज पोस्टर हिदायतकार अक्कल साथियान तहरीर फार फासल जाना जयप्रकाश धवानी राजेश विजय वेंकट्स के तौर पर शामिल किया गया। रानी राजेश सिनेमाटोग्राफी शरण वेलोदन एडियल सात्यान म्यूजिक जस्ट प्रभाकरण पैदावर कंपनी फुल मून सिनेमा तारीख राय 28 अप्रैल 2023 वक्त 4:71 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बजट 10 करोड़ ऑफिस से 17 करोड़ ब्लॉटेड प्रशांत पाचू राजन मुंबई में एक एवरोवेट फार्मेसी क्लिनिक कराए पर ले कर चले जाते हैं और वो माजी की नाकाम मोहब्बत की कहानी जिद्दी तादों से मिश्रित होने की वजह से गैर शादीशुदा इस अपने स्टोर लाइसेंसेस की तजदीद के लिए कैडा में अपने बाई शहर के लिए जाना पड़ा है और इतहादों में मिश्रित होने की वजह से गैर शायदशुदा अपने स्टोर लाइसेंस की जिद केरला में अपने बाई शहर वापस जाना होगा। अपने बाई शहर में अपने वालद
राजन के साथ एक शादी में शिरकत के दौरान पृथ्वी एक और सूर्या चू प्रदेव से मुतासर हो जाता है। ये फिल्म काफ़ी हद तक मकबूलियत तक पहुंचा और इंकशाफ हुआ कि अच्छू को कोशिश नाकाम शख्स से मोहब्बत करता है और पच्चू के इतिहाद की मसरियत करने का इरादा रखता है। तमाम वाक़यात के मिजाजी मोड़ पर पिच्चू अपने गले में मछली की हड्डी फंस कर अस्पताल पहुंच जाता है, जिससे वही वापसी के प्रवास गायब हो जाती है। पिच्चू के स्टोर का मालिक रियाज से कंपनी के लिए अपनी बूढ़ी माँ लैला और माची के सर ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में इसे एक iPhone XX का वादा करता है। जब चुराजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है जिसका नाम और अपनी बूढ़ी माँ लैला और माचो सर ट्रेन के जरिए मुंबई जाने को कहता है। वो इसकी मदद के बदले में एक iPhone X बच्चू राजी हो जाता है और वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं, और ट्रेन में इनका सामना एक नौजवान लड़के से होता है। रात के वक्त लैला गलती से कर मालीगोवा में ट्रेन से उतर जाती है। बच्चू को एहसास हुआ कि लैला लापता अर्जुन के साथ ट्रेन में का पीछा करता है, जिसका ख्याल है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जबकि बच्चू का लैला से सामना होता है और तो वो स्टेशन छोड़ने से पहले इस पर अर्जुन पर काली मिर्च छिड़कती है। बच्चू को पता चला कि लैला हम साधवानी के घर चली गई है, जिसने रियाज को बुलाया जो अपनी माँ को बाजियाफ्त करने के लिए दौड़ता है। जब हम साधवानी के घर पहुँचते हैं, लैला को पता चला कि वो पहले ही चली गई है, लेकिन बच्चू इसके बस स्टॉप पर जाता है और लैला को पता चला कि जब वो पहले चली गई है, लेकिन बच्चू एक बस स्टॉप पर पता है। एक बार जब लैला मिल जाती है तो वो सब मुंबई वापस जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ वो अपने गैर मामूली रुपए की वजाहत करती है। लैला ने नदी की कहानी निशेर की, जो इसके घर की मदद करने वाली बेटी गीता लैला ने नदी की तलीम की देखभाल और इस वक्त तक की थी जब तक गीता ने इसे नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए वापस गोवा नहीं भेजा। इस पर बचाने के लिए पुरुषम लैला गोवा में उतरती है और साधवानी के घर जाती, जहाँ नदी मुलाजम मौजूदा वक़्त में लैला पच्चू को अपने हवारी स्टोर की मलकियत की पेशकश करती है। अगर वो नदी को वापस ला सके, पच्चू राजी हो जाता तो रम साधवानी के घर नदी को तलाश करने के लिए रवाना होता है। लेकिन मुकाम पर पता लगाने पर पिच्छू को अपने भाइयों और खानदान की तरफ से मारपीट और लूट मार का सामना करना पड़ता है। वो अपना सामान बाजियाफ्त करता है, मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है, नदी के साथ फरार का मनसूबा मद्देस ने पिच्छू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहरीले तलकात को ख़त्म करने में इसकी मदद करते हुए हमसा रानी के करीब होता है। वो इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए अपने बरामदाई शाह को खुफिया रखता है। जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो अपने साफ तलवार में मशगूल होना शुरू कर देते। नदी के भाइयों ने अपने फरार का मनसूबा दरियाफ्त किया और नदी को बाजियाफ्त किया। हमसा रानी के बच्चों को बरामदाई शाह के बारे में मालूम हुआ, जिससे इनके तलकात में पिचिड़ियाँ पैदा हुई। रियाज कुंबली लैला के फैसले की मुखालफत करता है, अब नदी को वापस लाने की हिमायत करता है। पिच्चू नदी को बाजियाफ्त करने के लिए कोशिश करता है, इसके दादा ने इसका दफा करते हुए इसके आने की इजाज़त दी। हम सतवानी पिच्चू में सलाह होगी, पिच्चू और नदी इससे लैला बर्म लाने के लिए करला जाते हैं। मुंबई वापसी ट्रेन के सफर के दौरान पिच्चू हम सतवानी से मिलने के लिए करमाली में जरा पात पासल बतौर प्रशांत पिच्चू राजन अंजन जयप्रकाश बतौर हम सतवानी द्वानी राजेश बतौर नदी गीता की बेटी विजी वेंकट बतौर लैला और फमाची महकृष बतौर राजन बच्चों के बारे शांति कृष्ण बतौर नितिन राजू बच्चों की माँ राजन के दोस्त गोस्वामन वास्तु के तौर पर वनीत सरे वनीत बतौर रियाज लैला का बेटा अनुरान बतौर रविंदन रावी अल्ताफ सलीम बतौर सजीत अभिराम राधा कृष्ण बतौर बेटर रियाज ड्राइव नंदू बतौर प्रदीप युकत मैनन बतौर शून रहमा सुरेश बतौर सलोचना रियाज के घर मदर जीन के पार बतौर सबसे इंस्पेक्टर लोकेश नायक संजू रसोराम बतौर विवेक मोहन अगाशे बतौर नाना नदी के दादा नानी के तौर पर छाया कदम पेवेश कुमार बतौर साहिब गोविंद भाई बतौर लोकी नसलीन के गफूर रशून के बड़े भाई अरुण रूप में हाना कृष्णा सूर्या अच्छु प्रदीप के किरदारों में शुरुवती रामचरण एका कैमियो रूप में प्रोडक्शन डायरेक्टर जनवरी 2021 को फिल्म का टाइटल पोस्टर पूरी शूटिंग नवंबर 2022 को मुकम्मल हो गई। फिल्म नोटेड डायरेक्टर के लिए डेब्यू किया गया, बाद में ट्रेलर जारी किया गया। इस्तकबाले में तरमीम कर इस फिल्म को आमतौर पर नाफीन से मस्त जायजे मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के साजन शरीयत ने 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा लेकिन बहुत ज़्यादा शरबती नहीं है।
ऐसा तजर्बा जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया और मुझे वही मिला। टाइम्स की एना मैथ्यूज कार्ड्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये यकीनी तौर पर 80-90 की दहाई की मिट्टी फिल्मों को याद दिलाने वाली फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। 5 में से 3/5 दादी और नुरमा के ना के डागेश ने कहा, यह अयुकत मैनन एक प्यार और मुसहका के लड़के के तौर पर सबरीमाला से मुंबई वापस जाते हुए खुशी की बाइस बनता। इस हफ्ते के आखिर में पिचवम मथुबोथा वेलकम मुमकना तौर पर एक तसली बख्श इंतखाब और 5 में से 2/5 तार दिया वाला जात में तरमीम करें। फारफाजल साथियान फिल्म का अनवान पिचवम मथुबोथा वेलकम अनमोरम बाजाबशुदा फाद के पिचवम अलबुदा वेलकम का आखिरी शेड्यूल शुरू होता है। अनमोरमा बाजाबशुदा 2023 वेलकम फिल्म फार फासल ने अकल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया। अनमोरमा बाजियाबशुदा पाँचवा मतबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास सनमा एक्सप्रेस बाजियाबशुदा फार फासल शाह पिचवा मतबा वेलकम का ट्रेलर जारी किया गया। जानी दकर मासूम की मौजूदगी ने जोश में इजाफा किया। मुरमा बाजियाबशुदा पिचवा मतबा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल में मुलाकात की याद ताज़ा की। टाइम्स ऑफ इंडिया जायजा काफ़ी इंसमास के साथ और आमदा तफरी दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाजाफ्ता पाचू मथुबोथा वेलकम मूवी रिव्यू काफ़ी हंसी रोमांस के साथ और आमदा तफरी सनमा एक्सप्रेस बाजाफ्ता 2023 के पिछड़े मथुबोथा वेलकम फात फैसल ने अक्कल सात्यान की पहली फिल्म में मुतासर किया। और मोरमा बाजाफ्ता मूवी का जायजा फात फैसल स्टार वेक एंड वॉच लिस्ट में शामिल करने की काबिल। इंडियन एक्सप्रेस तमाम 2 दिन पहले मिथिल का मजामीन शुरुआती रामचंद्र बतौर अदाकारा अनजान फुरकाश 2018 की फिल्म जिसकी हिदायत करिश्तियान कार ने की है। सलीम के गफूर भारतीय अदाकारा मुआसे सिवाय ऐसे के तहत दस्तियाब है जब तक कि दूसरी में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के डिस्क शामिल है। पाँचवा मतबा वेलकम ट्रेलर में बेहतरीन एहसास पिचवा मतबा वेलकम वनीत ने 10 साल फार फासल से मुलाकात की याद ताज़ा की।